आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन। हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको डेल्टा एच भी कहते हैं। इसको डेल्टा एच या एंथैल्पी भी कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी भी कहते हैं। डेल्टा एच, डेल्टा एच पॉजिटिव में भी होता है, जिसे मैंने पहले बताया, डेल्टा एच पॉजिटिव में भी होता है और डेल्टा एच नेगेटिव में भी होता है। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव में होगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव में होगा तो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी को हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, या हीट ऑफ कंटेंट रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंथैल्पी भी कहते हैं। एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन। ये एंथैल्पी की डेफिनेशन है। इसकी एक डेफिनेशन और है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये भी इसकी डेफिनेशन है, इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ये भी इसकी डेफिनेशन है, एंथैल्पी की डेफिनेशन या हीट कंटेंट्स ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में स्टोर अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट, हीट भी क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी है, उसको हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन और मैं आपको अभी वो भी बता देता हूँ, वही लिखिएगा पेपर में आप जी। इसकी एक और डेफिनेशन देख लीजिए, द हीट कंटेंट यानी एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा एच। डेल्टा एच यानी एच टू माइनस एच वन, अभी मैं बता देता हूँ आपको। एंड चेंज इन हीट कंटेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज देन रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा एच। डेल्टा एच ये आपको डेफिनेशन, ये भी क्या है, एंथैल्पी की डेफिनेशन है। डेल्टा एच हमारे पास एंथैल्पी के लिए यूज होता है। अच्छा, डेल्टा जो वर्ड है, डेल इसका मतलब क्या है, चेंज, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, चेंज, डेल्टा को चेंज। तो डेल्टा एच बराबर किसके होगा, एच टू माइनस एच वन, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। जहां भी डेल्टा एच की बात हो तो वहां एच टू माइनस एच वन। अभी हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के रिएक्टर और प्रोडक्ट में एच टू माइनस एच वन की बात करेंगे, तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। अब हम इसके डेल्टा एच या एंथैल्पी के दो केस हैं वो डिस्कस करेंगे। चेंज ऑफ एंथैल्पी किसका निकालेंगे, जरा ये देख लीजिए, डेल्टा एच बराबर होता है एच टू माइनस एच वन के, जो एच वन है वो हीट कॉन्टेंट ऑफ रिएक्टेंट कहलाता है, हीट कॉन्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, जो एच टू है वो कहलाता है हीट कॉन्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको एच टू एच वन। तो इस तरीके से हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं, पता चला सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट की अलग डेल्टा एच की वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की अलग एच या डेल्टा एच की वैल्यू होगी। रिएक्टेंट की डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास है 10 और प्रोडक्ट की डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास है 20 या 20 के लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एच टू माइनस एच वन, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट में से माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एच टू कहलाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एच वन कहलाएगा। डेल्टा एच हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन को देंगे, एच टू में से माइनस कर देंगे एच वन की वैल्यू, तो एच टू हमारे पास 20 है और एच वन कितना है 10 है, 20 से 10 गया, प्लस का 10 हमारे पास आ गया। तो जब प्लस का 10 डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास, डेल्टा एच की वैल्यू प्लस का 10 आएगी, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो इस तरीके से हम ये क्या होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मदद से रिएक्शन के एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होने का पता चला सकते हैं। इसका केस, ये केस वन था, इसको केस नंबर वन के दीजिए। अब मैं आपको केस नंबर टू करवाता हूं। अब केस नंबर टू भी देख लीजिए, केस नंबर टू हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो हमारे पास है 15 ले लीजिए,
प्रोडक्ट के डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, रिएक्टेंट के डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास 15 है, प्रोडक्ट के डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हम इसके रिएक्शन का पता चलेंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ एंडोथर्मिक हुआ कैसे। मिसाल के तौर पर 10 में से माइनस 15 कर देंगे तो माइनस का 5 आया, आंसर क्या है माइनस का 5। माइनस का 5 आया है, डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में आई, नेगेटिव में आई, तो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा। तो इस तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू आपको दी जाए तो आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का पता चला सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट एवॉल्व होती है, रिलीज होती है, बाहर खारिज होती है, तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक कहलाता है। एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है, जर्ज होती है, अंदर दाखिल होती है, तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक कहलाता है। एंडो माने अंदर, एक्सो माने बाहर, जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन, इसी से फिर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इसी तरह निकलता है। एंथैल्पी का यूनिट किलो जूल पर मोल है, किलो जूल, एंथैल्पी का यूनिट क्या है आपके पास, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये एंथैल्पी का हमारे पास यूनिट होता है। एंथैल्पी को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर यूज करते हैं, जबकि हीट या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर या थर्मोमीटर यूज करते हैं। हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, हीट का यूनिट जूल होता है, जबकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, जबकि एंथैल्पी का यूनिट किलो जूल पर मोल होता है।